Some people are like slippers. They give mud back from the back. कुछ लोग चप्पल की तरह साफ तो देते हैं लेकिन पीछे से हमेशा कीचड़ उछालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो नारियल के दूध के ऊपर में है। जी हाँ दोस्तों, नारियल को अगर पेस्ट करके उसे निचोड़ा जाए तो दूध निकलता है उसमें से, और अगर हम कच्चा नारियल खाते हैं तो भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो नारियल के दूध के बारे में जितनी भी जानकारी है उसके बारे में सारी बातें बताऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो बताना तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट कोकोनट मिल्क। नारियल के दूध में सेलेनियम पाया जाता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। इससे हमारे गठिया में जो भी तकलीफें हैं उसे ठीक करता है और साथ ही जोड़ों के सूजन को भी ये कम करता है। नारियल में पाए जाने वाला यानी कि नारियल के दूध में पाए जाने वाला लॉरिक एसिड एंटीसेप्टिक गुण जो हमारे शरीर में होने वाले बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ता है और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। आजकल ज्यादातर महिलाओं को एनीमिया की शिकायत होती है। जी हाँ, नारियल के दूध से एनीमिया की शिकायत खत्म होती है क्योंकि नारियल के दूध में पाए जाने वाला आयरन हमारे शरीर के लिए ईंधन मुहैया कराता है। जो दूध में आयरन मौजूद होता है उससे हमारे रक्त की कोशिकाएं बनाने में मदद मिलती है जिससे एनीमिया की शिकायत खत्म होती है। तो नारियल का दूध जरूर सेवन करें महिलाएं, जिससे उनकी एनीमिया की शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नारियल का दूध हम अपने खाना बनाने में भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर इससे खाना बनाया जाए तो आपका खाना और भी स्वादिष्ट और सुगंधित बन जाता है। तो नारियल के दूध से आप क्या क्या बना सकते हैं? इससे आप करी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं और आप इससे दलिया भी बना सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं नारियल के दूध के फायदे के बारे में। तो नारियल के दूध में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, प्रोटीन और सोडियम पाया जाता है जो हमारे सर के स्कैल्प में जितने भी ब्लड सर्कुलेशन की समस्या जो होती है जिसकी वजह से हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं, तो हमारे बालों के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे बालों को ये मजबूत करता है ताकि हमारे बाल अच्छे और घने रह सके। और इसमें पाए जाने वाला विटामिन ई, जी हाँ, इसमें विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन ई हमारे लिए हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो विटामिन ई हमारे बालों को कंडीशन करता है, हमारे बालों को मजबूत करता है और विटामिन ई इसमें नेचुरल पाया जाता है। तो आपको बाहर से विटामिन ई लेने की जरूरत नहीं है। तो नारियल का दूध का सेवन आप जरूर करें जिससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग और मजबूत। नारियल के अंदर पाया जाने वाला पानी यानी नारियल का पानी, लोगों को ज्यादातर ऐसा लगता है कि वो नारियल का दूध है जो कि वो ऐसा नहीं है। नारियल को कद्दूकस करके उसे निचोड़ कर जो कसा हुआ तरल पदार्थ निकलता है गाढ़ा गाढ़ा, वो नारियल का दूध कहलाता है जो हमारे स्किन के लिए और बालों के लिए यानी कि त्वचा के लिए और हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। काफी जगह इसे यूज किया जाता है। अगर आप चाहें तो नारियल के अंदर मौजूद मलाई उसे भी दूध के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो ये था मेरे नारियल के बारे में जानकारी जो भी मैंने जुटाए थे। मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।